दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। रामपुर उपमंडल के ननखड़ी इलाके में कार के गहरी खाई में गिरने से इसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई है। हादसा मंगलवार को नीरत ननखड़ी पंडाधार संपर्क मार्ग पर शरण ढांक में भूस्खलन के चलते सड़क धंसने से पेश आया है। कार में तीन लोग सवार थे और तीनों की ही घटना स्थल पर मौत हो गई। तीनों ही ननखड़ी तहसील के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतकों में वीर सिंह निवासी ग्राम बनोला, हिम्मत सिंह निवासी ग्राम बनोला और रतन निवासी गांव दानेवटा शामिल है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस एनडीआरएफ और दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और शवों को खाई से बाहर निकाला। ननखड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रामपुर बुशहर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका, ऑनलाइन ऑडिशन शुरू। पहला नशा पहला खुमा, नया प्यार है नया इंतजार। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए लॉगिन करें दिव्य हिमाचल की वेबसाइट www.divyhimachal.com पर। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। लगभग 8 साल पहले शुरू हुए इस संस्थान ने अनगिनत डॉक्टर, इंजीनियर और डिफेंस ऑफिसर समाज को दिए हैं। जेनेसिस कोचिंग संस्थान अपने अनुभवी अध्यापकों व कुशल प्रबंधन के कारण हर रोज सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। यहाँ पर कांगड़ा जिला के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों जैसे चंबा, पांगी, मंडी आदि के बच्चे भी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों व सुविधाओं के साथ बच्चों को 9वीं से ही उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। बच्चों को बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कम्पिटिटिव परीक्षाएँ जैसे नीट, JEE, NDA, NTSC, STSC व ओलंपियाड आदि की तैयारी भी करवाई जाती है। अति प्रतिभाशाली व जरूरतमंद बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संस्थान द्वारा सुपर 30 बैच का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को निशुल्क कोचिंग व आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये कार्यक्रम संस्थान के दोनों केंद्रों नगरोटा बगवां व पालमपुर में चलाया जा रहा है।